देश की जनता को समझना पड़ेगा, गरीबों को समझना पड़ेगा, मध्यम वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें हिंदू मुसलमान के जहर से ऊपर उठना पड़ेगा, जात पात के जहर से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा सज्जनों। और मैं कहता हूँ, वो सारे लोग कहते हैं कि साहब मुसलमान ऐसे है मुसलमान वैसे है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर एक बात बता दूं, जिनने पूरे देश में ये कहा कि मुसलमान से नफरत करेंगे, उनकी पोती ने क्या किया? देखिए इंदौर, ये दबंग दैनिक दबंग दुनिया इंदौर, मंगलवार 20 दिसंबर 2011 का है ये मेरे पास। बाल ठाकरे की पोती नेहा हो गई नबी की, बाल ठाकरे जी की पोती ने नबी नाम के मुसलमान से शादी की और बाल ठाकरे साहब वहां पर खड़े हैं और उनका जो लड़का है वो भी खड़ा हुआ है। शीला दीक्षित जो मुसलमान मतलब उसका जो जमाई था, अभी उन्हें मारी कोटी होगी छोरी के, तो पता चलो पेपर में आया कि वो भी जमाई भी भाईजान था। और आपको पता है ये गुजर समाज का है सचिन पायलट ने मुस्लिम लड़की से शादी की, तो ये सब गटमट हो रहा है, तो कम से कम तुम हिंदू तो गटमट हो जा, ब्राह्मण तो गटमट हो जा, ठाकुर तो ये ठाकुर अलग है ना हम ठाकुर अलग है, ये गुजर अलग है ना हम गुजर अलग है, ये नहीं अलग है ना हम नहीं अलग है। अरे तू भी उस तरह चला है, तू भी सुतार वो भी सुतार, नहीं नहीं सुतार अलग ना सुतार अलग, बड़े में अलग, जवान में अलग, छोटे बड़े ना माल भी बड़े। सज्जनों अगर जात पात खत्म हो जाती है तो कितना फायदा होता है, मान लो जैसे एससी की विधानसभा है, मेरी पांच लड़कियां मैंने एक लड़की गुजर को दे दी, एक ठाकुर को दे दी, एक ब्राह्मण को दे दी, एक माली को दे दी, एक चमार को दे दी। अब मान लो मैंने चुनाव लड़ा तो गुजर कहेगा अपना छोरी दी नहीं पटेल बग में छोरी, अरे अपना गुजर सपोर्ट करो भैया विधायक साहब, माली कहेगा अरे यार वहां पटेल बग में देखो नहीं वो पुष्पक जी में छोरी है नहीं गुरु जी की, ठाकुर साहब कहेगा अरे यार अरे तोमर साहब के घर छोरी है ना उनकी यार गुरु जी की, वो तो विधायक बनने के लिए आए थे। तो अब देखिए पांच लड़की को अगर हम पांच जाति में देते हैं तो क्या होता है, सामाजिक भाईचारा बढ़ता है और लड़के भी अच्छे मिलेंगे। अभी मैं मालूम आपको, अभी मैं भोपाल में एक जाति के सम्मेलन में गया, लड़कियां बेहद खूबसूरत हट्टी कट्टी और पढ़ी लिखी और लड़के भुसांदे आए जिनकी डिग्री भी नहीं, नहाना धोना भी नहीं यार, वहां मांडो कर दो ऐसे मांडो कर दो ढूंढा घोड़ा पढ़ ले ला तो ले, तुम्हारे शरीर को ही नहीं दिख रहा है, तुम्हारी खूबसूरती नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं। इसलिए सज्जनों आज अंतर जाति विवाह होना अनिवार्य है, इसी में फायदा है। अब अंतर जाति विवाह किससे करें, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को लड़के दे दे, अपने स्टैंडर्ड का समधी और समधन किसको कहते हैं, समधी का मतलब होता है समान धन वाला। विधायक हो एससी से, हर जगह एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आरक्षण का फायदा मिला और कुछ ढूंढा उनके कि आरक्षण गलत है। आरक्षण का मतलब समझे पहले, तो आरक्षण का मतलब है वर्गीय प्रतिनिधित्व, हर वर्ग का व्यक्ति शासन प्रशासन में होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, मान लो एक ब्राह्मण की का झगड़ा ठाकुर से हो गया, या ठाकुर का झगड़ा ब्राह्मण से हो गया किसी गांव का, अब ठाकुर साहब को ब्राह्मण देवता ने तपा दिया थोड़ी देर के लिए मान ले, अब ठाकुर साहब आया कहां पे, थाना में आया तो शर्मा थानदार वहां पे क्या लिख रहा है, एफआईआर दर्ज करे, देखे यहां भी शर्मा, शर्मा जी ने फोन कर दे जो यार ठाकुर को तपा दिया थोड़ा ध्यान रख लेता कि ठीक है आपका चल मेडिकल करा बल, तो उन्होंने देखा कि यहां पर कौन है, यहां पे वशिष्ठ साहब, फिर इसके बाद वकील के पास गए तो पंचोली साहब, मजिस्ट्रेट के साहब पास गए तो चतुर्वेदी। ठाकुर के दिमाग में जहां गया जहां ब्राह्मण मिला मुझे न्याय नहीं मिले। सज्जनों ये भाव किसी जाति में किसी संप्रदाय में पैदा ना हो, क्योंकि ये राष्ट्र सबका है, ये भारत माता सबकी है। कोई इंसान ये नहीं माने कि थाना मेरा नहीं है, अदालत मेरी नहीं है, ये पार्टी मेरी नहीं है, ये देश मेरा नहीं है, ये भारत माता मेरी नहीं है, मैं यहाँ पे गुलाम हूँ, मैं तुरंत दर्जे का नागरिक हूँ, ये भाव किसी के मन में जागना नहीं चाहिए, तब जाकर के आप भारत के सच्चे नागरिक हो, भारत माता के लाल हो। अगर किसी के मन में ये भाव हो गया कि मैं भंगी हूँ, चमार हूँ, बलाई हूँ, बसोड़ हूँ, बागरी हूँ, बरगुंडा हूँ, नाई हूँ, धोबी हूँ, मुझे इस देश में न्याय नहीं मिलेगा, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक जाति के लोग बैठे हैं, अगर मुसलमान के मन में ये भाव आ गया, ईसाई के मन में ये भाव आ गया, जैन के मन में ये भाव आ गया, बौद्ध के मन में भाव आ गया, ये राष्ट्र बचेगा नहीं, इस राष्ट्र को बचाना है तो चाहे वो नालायक है तो भी उसे लायक हमें बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं साहब एससी एसटी ओबीसी के लोग तो नालायक है, इनको प्रोफेसर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे,
नालायक वो नहीं है, नालायक हम लोग हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था है कि जिनको हजारों सालों से हमने अनपढ़ रखा, गंवार रखा, और आज मौका मिला है तो हमने कभी कहा किसी चमार बलाई भंगी बसोड़ बागरों नाई धूमी तेरी तबोड़ी गुजर सोजा रागी यादव पाटीदार के मोहल्ले में जाके कि तू बहुत अच्छा लड़का है, तू ब्रिलियंट है, चल तेरे को मैं भागवत पढ़ना सिखाऊंगा, चल तेरे को मैं वेद का विशेषज्ञ बनाता हूँ, चल मैं तुझे गीता बाजना सिखाऊंगा, तू लड़की बहुत अच्छी है, तू प्रोफेसर बन सकती है, तू कम है सर आदि, तू कहाँ पटेल का काम कर रही है, चल हम तुम्हें तुम्हारे प्रतिभा तू अच्छा बोलता है। लेकिन हमने कहा प्रतिभा खोज दी, हमने तो प्रतिभाओं का हजारों सालों से दमन किया है। कभी एक लव का अंगूठा काटते हैं, कभी सब भूख की हत्या करते हैं। सज्जनों बहुत सारी बातें हैं, मेरा सिर्फ आपसे यही आग्रह है, इस देश को, इस समाज को बचाना है तो जाति खत्म करना पड़ेगी, अंधविश्वास खत्म करना पड़ेगा। मेरा किसी से कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है। मैं विदेश बसना चाहता था पर मैंने सोचा इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ मुझे करना चाहिए। मैंने विश्व हिंदू सत्य शोधक मिशन की स्थापना की, क्योंकि एक जाति के लोग चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो जाए, एक जाति से काम नहीं चलेगा, सब जाति के लोगों को एक मंच में बैठना पड़ेगा। और सब जाति में अच्छे लोग हैं, सब जाति में खराब लोग हैं। मैं जिस जाति में बैठा हूँ, हमारे हमारी आलोचना भाई, मैं जिस कम्युनिटी में बैठा हूँ, हमारी सत्यानंद तो 10,000 मार्शल लिया, 5,000 मार्शल लिया, चाचा में भी जाए कमारियो। अगर कमाना ही होता सज्जनों तो रामचरित मानस मेरी PhD है, रामचरित मानस 5 करोड़ रुपए कमा सकता था। भागवत का मैंने अध्ययन किया गया, भागवत वास के करोड़ों रुपए कमा सकता था, गीता मान सकता था, मेरे पास तो ऑप्शन है। मैंने ये समाज सुधार का काम, हिंदू समाज के कल्याण का काम स्वेच्छा से किया है। बाबा साहब की दया से मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा परिवार आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए ये काम नहीं किया, ये कपड़े नहीं पहने, इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए दुख दर्द को जान करके पहना है कि हो सकता है मैंने हजारों किताबें पढ़ी है, मेरे कुछ पढ़ने से, मेरे कुछ ज्ञान से इस देश का अगर कुछ भला हो जाता है तो मेरे रक्त की एक एक बूंद भी अगर इस समाज को, इस राष्ट्र को काम के लिए कुर्बान हो जाती है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। लेकिन आज हम देखते हैं सज्जनों, तस्वीर को हमें दूसरे एंगल से देखना पड़ेगी। एक ही एंगल से देखोगे तो आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी। आप ब्राह्मण हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी बस में बैठे हो, रेल में बैठे हो, अब कोई पूछे कौन हो, थोड़ी देर के लिए बता देना मैं चमार हूँ, फिर सामने वाले का चेहरा देखना, फिर दूसरी जगह जाओ बोलना कि मैं बलाई हूँ, फिर तीसरी जगह बोलना कि भंगी हूँ, तब आपको पता चलेगा कि जाति का दर्द क्या होता है। सामने वाला भली AC में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, बासी कचौरी जैसा उसका मुंह हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ब्राह्मण खराब है, सभी क्षत्रिय खराब है, सभी OBC खराब है, 10%, 20% लोग अच्छे हैं, लेकिन 90% जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कह भी नहीं जाए। तो सज्जनों हमें गांव गांव में जाकर के ऐसे शिविर लगाना, उनको बताना, और हम शहरों के लोग जो है, हम जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मिनिस्टर, प्रोफेसर बन गए, पत्रकार बन गए, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम 10 साल के, जैसे एंटी पोलियो का डोज दिया कि 10 साल में हम पोलियो खत्म कर देंगे, 10 साल में हम चेचक की बीमारी खत्म कर देंगे, 10 साल में हम अभी वो कहीं रुबेला आयो नहीं, रुबेला खत्म कर देंगे। इस प्रकार अगर हिंदू समाज का सारे शंकराचार्य मिलकर के, सारे साधु संत मिलकर के, सारे राजनेता समाज सेवक मिलकर के वो संकल्प ले कि 10 साल में हम जाति खत्म कर देंगे तो जाति खत्म हो सकती। मेरा ब्यावरा में प्रवचन था तो वहां पे एक गुजर विधायक थे, एक यादव विधायक थे, एक दांगी विधायक थे, क्यों मेरे को तुम किसान हो, तुम्हारे बाप दादा बेच रहे थे, तुम भी बेच रहे थे, तुम भी किसान, आपस में बेटी व्यवहार करो ना, गुजर सोदिया दांगी यादव क्या प्रॉब्लम है, तो दान काटे बापड़ा विधायक। अरे तुम विधायक विधायक तो एक हो जाओ, तुम डॉक्टर डॉक्टर तो एक हो जाओ, इंजीनियर इंजीनियर एक हो जाओ, वकील वकील एक हो जाओ, मास्टर मास्टर एक हो जाओ। तो सज्जनों इन बातों पर थोड़ा सा गौर करें, और कुछ चिट्ठियां आई है, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैं पूछ सकता हूँ। मैं दो बीमारी मानता हूँ भारत की, जाति अंधविश्वास ही सब रोगों का मूल, और मिट जाए तो खिल जाए मानवता का। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।